और इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। सपोज इनिशियली जो हमारे पास में स्प्रिंग है वो कंप्रेस स्टेट में है, ठीक है। अब सपोज किसी इंस्टेंट पे इसके अंदर जो एक्सटेंशन जो कंप्रेशन है वो एक्स है, तो इसके ऊपर फोर्स कहाँ की तरफ लग रहा होगा, यहाँ की तरफ हाँ सर, के एक्स, और इसके ऊपर लग रहा होगा यहाँ की तरफ के एक्स। अब दोनों पे जो आप फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो यहाँ की तरफ लग रहा होगा, कितना होगा म्यू एम टू जी, और इसके ऊपर फ्रिक्शन यहाँ की तरफ म्यू एम वन जी, ठीक है। सपोज उस पॉइंट पे इसका जो अपना वेलोसिटी है वो यहाँ की तरफ वी टू है, इसका वेलोसिटी यहाँ की तरफ वी वन। सर मैंने बिना फ्रिक्शन के सॉल्व किया इसलिए ये आ रहा अरे नहीं ना, फ्रिक्शन भी है ना इसके अंदर, और दिया तो हुआ था। हाँ है सर, देखा नहीं शायद, अब भी देखा। ना। अब यहाँ पे अपने इक्वेशन लिखेंगे कि सपोज इसको मैंने लिखा डी एक्स टू बाई डी टी, ये तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये हो गया डी एक्स वन बाई डी टी, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। और एक्स वन प्लस एक्स टू क्या होगा, स्प्रिंग के अंदर तुम्हारा कितना फोर्स कम हो रहा है वो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बेसिकली हम करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जब थोड़ा सा आगे जाते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि ये दोनों ही पार्टिकल जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे, और उसके लिए हमारे पास में अलग फॉर्मूले होते हैं थोड़े से, जो कि हम आगे जाके पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक बार के लिए ये जो जो हमने एफबीडी बनाया है इसको एक बार देख लो, होता है ठीक है, नहीं तो जब अपने सेंटर ऑफ मास वाला भी कर रहे हैं इसके अंदर भी हम आगे इसको पढ़ लेंगे, कि पूरे सिस्टम पे लगने वाला जो फोर्स होता है दैट इज मास इंटू एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इससे करके देखो अगर होता है तुमसे तो ठीक है, नहीं तो हाँ टू स्प्रिंग। हाँ भाई क्या हुआ इसमें, तो मैंने भेजा स्ट्रेस बाय अप्लाइंग इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एट द फोर एंड, हाँ इफ द एनर्जी स्टोर्ड इन ए। तो देखो ये हमारे पास में एक स्प्रिंग है, ये मान लो इसका नेचुरल लेंथ, ठीक है, इसका मैंने बोल दिया के ए। अब मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, मैंने फोर्स लगाया मतलब एफ फोर्स लगाया, तो ये लो यहाँ पे फोर्स लगा रखा है एफ, और इसके अंदर जो एक्सटेंशन है वो मेरे पास में हो गया मान लो एक्स वन, तो इक्वेशन क्या बनेगी एफ एक्स वन इक्वल टू नहीं के एक्स वन, के एक्स वन शुड बी इक्वल टू एक्स एफ, और इसमें एनर्जी कितनी आ जाएगी हाफ के एक्स वन स्क्वायर, सपोज इसको बोल दिया के सर ए, बोथ हैंड से खींच रहे हैं ना। वो तो एक ही बात है ना, इसके ऊपर भी इतने फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे, हाँ सर, के एक्स स्प्रिंग की टेंशन के रहेगा। कोई भी मासलेस ऑब्जेक्ट पे इक्वल फोर्स ही होता है ना दोनों तरफ, तो यस सर, ओके तो इसमें एनर्जी इतनी आ जाएगी। अब जो सेकंड वाली स्प्रिंग है उसकी बात करते हैं, सेकंड वाली स्प्रिंग का ये है के बी है ना, उसके ऊपर भी हमने इतना ही फोर्स लगाया एफ, सपोज इसमें एक्सटेंशन हो गया एक्स टू, तो इक्वेशन क्या बनेगी के बी इंटू एक्स टू इक्वल टू एफ, इसकी एनर्जी ई वन, इसकी एनर्जी कितनी आ जाएगी हाफ के बी इंटू एक्स टू स्क्वायर। अब इन दोनों का रेशो ले लो, सर पर X1 X2 तो मालूम नहीं है। हाँ तो एक्स वन एक्स टू का ये यहाँ से आ जाएगा ना रेशो मेरे पास में, अगर इन दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा के ए एक्स वन शुड बी इक्वल टू के बी एक्स टू, तो एक्स वन बाई एक्स टू क्या बन जाएगा के ए बाई के बी टू आ जाए। ओके है ना, ये तो हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि इसकी वैल्यू क्या ओके है। सर, सर एनर्जी सेम नहीं रहेगा, सेम फोर्स लगाया नहीं तो। नहीं 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 एनर्जी सेम रहेगी नहीं रहे, क्योंकि दोनों में एक्सटेंशन कैसा अलग अलग है। ओके सर, हाँ 13 क्या हुआ इसमें, क्वेश्चन नहीं समझा। अरे करवाया था ना ये तो मैंने तुमको अभी लास्ट क्लास में, तुमको नहीं कराया था क्या स्मूथ स्फेयर इस। एक मान लो स्फेयर है ये, और इसके यहाँ पे एक मास रखा हुआ है एम, ये यहाँ से पास हो रहा सब कुछ कैसा इक्विलिब्रियम में, ओके हाँ
तुमको दिया हुआ है कि ये जो स्फेयर है इसका एक्सेलरेशन यहाँ की तरफ है जी, तो तुमसे पूछा है कि स्पीड ऑफ द मास विद रिस्पेक्ट टू स्फेयर, ठीक है, तो मेरे को इसके अपने रेफरेंस फ्रेम में सॉल्व करना है ना क्वेश्चन को, क्योंकि तो ये देखो ये एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम हो गया, एक्सेलरेटिंग फ्रेम हो गया, तो अगर मुझे इसके फ्रेम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आई हैव टू अप्लाई सूडो फोर्स। ओके तो देखते हैं कि ऊपर वाले ब्लॉक पे सूडो फोर्स कहाँ की तरफ लगेगा बताओ, लेफ्ट साइड में, यहाँ की तरफ फोर्स लगेगा, और फोर्स कितना हो जाएगा एम इन टू ए, और यहाँ पे मैं ए का वैल्यू कितना है जी, और इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा था, ये वाला लग रहा था ग्रेविटी, तो फाइनली ये पार्टिकल यहाँ कहीं आ जाएगा, यहाँ पे आएगा ना, सपोज ये एंगल बन गया थीटा, तो देखो इसका हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आर कॉस थीटा, और यहाँ पे कितना हो गया वर्टिकल में, नहीं आर माइनस आर कॉस थीटा तो वो हो गया, और हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा आर साइन थीटा, और देखो ना ट्राइंगल बन रहा है। सपोज इस पॉइंट पे इसका स्पीड यहाँ की तरफ वी है, तो क्या लगाओगे, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे mg का वर्क डन कितना आएगा mg into r minus r cos theta, और इसका वर्क डन कितना आएगा सूडो फोर्स का प्लस mg into r sin theta equal to half mv square। जिस रेफरेंस फ्रेम में तुमने वर्क डन लिखा है उसी रेफरेंस फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी, और उसी रेफरेंस फ्रेम के अंदर तुम्हारा स्पीड, जो उसने पूछा है ना कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्फीयर एज अ फंक्शन ऑफ थीटा एज इट स्लाइड डाउन, ठीक है यस और बताओ और कुछ, फिर मैं स्टार्ट करूं आगे। यस सर। हाँ चलो, तो हम कर रहे थे कहां तक हो गया था लास्ट क्लास में, कहां तक किया था सर, हमने सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें लास्ट वाला आपने वो स्क्वायर वाला दिया था, जिसमें स्क्वायर में अच्छा। तीन पॉइंट्स का दिया हुआ था सब कुछ, और हमें एक्स केजी निकालना था, तो हमने बेसिकली किया था सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट ना। यस सर। हमारे पास में टू और मोर पॉइंट ऑब्जेक्ट थे, और हमने सेंटर ऑफ उस पोलर सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे होगा और उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा उसको हमने फाइंड आउट कर लिया था, हमारे पास फॉर्मूला भी आया था, फॉर्मूला याद है? यस सर। क्या था फॉर्मूला सर? समेशन ऑफ आर mass into position of all points divided by m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 and so on, moment of mass ka summation of total mass rn upon m1 plus m2 plus kahan tak mn, jo bhi hamare paas mein hai, agar isko thoda sa wo symbol wale form mein likhu to that is summation, dekho upar kya summation hai na एम आई आर आई, मतलब कि जो भी मास है उसका कोऑर्डिनेट
अपॉन समेशन ऑफ एम आई। ये हमारे पास में आ गया कि सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वो कहाँ पे होगा। पोजीशन का मतलब होता है अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं आई कैप जे कैप के कैप लगा देंगे, और अगर हमको अनकोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना है तो उसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट लिख देंगे। ठीक है, अब देखो, अब अगर इस पूरी इक्वेशन को कोई डिफरेंशिएट कर दूं, मैं इस पूरी इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमारे पास में एक्सप्रेशन बनेगा, यहां पे क्या बनेगा, डी आर सी ओ एम बाई डी टी इक्वल टू, देखो जो तुम्हारे नीचे वाली चीज है वो तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, क्योंकि मास तो कॉन्स्टेंट है ना। अब देखो ऊपर मास कांस्टेंट होता है तो डिफरेंशिएशन जो सिंबल है वो अंदर चला जाएगा। हाँ, तो क्या बनेगा, m1 dr1 by dt plus m2 dr2 by dt and so on mn drn upon dt। आता है डिफरेंशिएट करना, ठीक है। अब देखो ऊपर से स्टार्ट करते हैं, m1 ये तो मास है, dr1 by dt the rate at which position of point mass 1 is changing, ये क्या होता है, momentum, velocity of that particle, ठीक है। तो ये बन जाएगा m1 v1 plus ये क्या बन जाएगा m2 v2 and so on plus mn vn upon M1 plus M2 plus, ये क्या बन जाएगा, द रेट एट विच पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज चेंजिंग, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इफ आई हैव n masses, तो देखो M1 plus M2 plus M3 plus Mn, ये क्या बन जाएगा, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो मैंने लिख दिया कि टोटल मास m क्या बन जाएगा, m1 plus m2 plus m3 and so on m। तो ये फॉर्मूला बेसिकली बन जाएगा टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 इनटू v1, पहले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम p1, ये दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम, तीसरे पार्टिकल का मोमेंटम एंड सो ऑन। तो ये क्या बन गया, पहले पार्टिकल का मोमेंटम, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, ऐसे सबका क्या बन जाएगा, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, और ये हमारे पास है किसके इक्वल है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो देखो हमने क्या बोला था कि तुम पूरे सिस्टम के इंडिविजुअल पार्टिकल को एनालाइज करो, या फिर वो एक जो सिंगल पॉइंट है उसको एनालाइज कर लो। तो जो भी तुम्हारे पैरामीटर्स आएंगे, कुछ कुछ पैरामीटर्स वो सेम आएंगे, जैसे यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वेलोसिटी की, अगर मुझे पूरे सिस्टम का मोमेंटम पता है सो आई कैन फाइंड कि जो सेंटर ऑफ मास है उसका वेलोसिटी कितना होगा। कैसे निकाल लेंगे, उसको टोटल मास से डिवाइड कर देंगे। अगर मुझे सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी पता है सो आई विल मल्टीप्लाई इट बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड आई विल गेट टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, हाँ भाई बताओ। यस सर। तो बेसिकली इसने यही बताया कि पूरे सारे मासेस का जो लीनियर मोमेंटम है उसको एक सिंगल पॉइंट के मोमेंटम से आई कैन रिप्रेजेंट। अब देखो इसके ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं वो किस टाइप से बनते हैं, जैसे एग्जांपल सपोज हमारे पास में एक पार्टिकल है, इसका मास मैंने सपोज बोल दिया टू के जी, ये यहाँ की तरफ जा रहा है मान लो 6 मीटर पर सेकंड से, एक मास यहाँ की तरफ है का मास है 3 kg और ये ऊपर की तरफ जा रहा है 2 meter per second। सो हमसे पूछा कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास,
कैसे निकालेंगे? सब ऊपर वाले फॉर्मूला से देखो, ये जो चीजें होती हैं सारी चीजें वेक्टर फॉर्म में की जाती हैं, ठीक है। तो जब भी तुमसे पूछा जाएगा तुमको अपने आप अज्यूम कर लो, तुम अज्यूम कर लो कि ये जो डायरेक्शन है ये क्या है, आई कैप, तो ये क्या बन जाएगा, जे कैप, ठीक है। तो क्या लिखोगे कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू एम वन वी वन वेक्टर प्लस एम टू वी टू वेक्टर अपॉन m1 plus m2. m1 mass कितना है 2, velocity 6 i cap, ठीक है, plus mass कितना है 2 और अपना velocity कितना, नहीं mass कितना 3 second वाला, तो 3 mass है 2 j cap velocity और हमारा mass कितना है total 2 plus 3, तो क्या बन जाएगा 6 by 5 हमने कॉमन ले लिया, 2 i cap plus j cap. अब देखो अगर क्वेश्चन में उसने i cap j cap स्पेसिफाई करके दिया है तो ठीक है, वेरी गुड, मैं और लिख दूंगा ऐसे, लेकिन अगर उसने स्पेसिफाई नहीं किया है तो मैं इसका तो वो निकालूंगा, तो इसका मैग्नीट्यूड, क्यों, क्योंकि हमको नहीं पता कि i cap j cap कौन से अज्यूम किया तुमने, तो मैं क्या लिखूंगा 6 by 5 और इसका मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा √5, ये बन जाएगा 6√5 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास में आ गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सर 6√5 ही रहेगा ना? हाँ हाँ, ठीक है, यस ओके, चलो एक सेकेंड, हाँ भाई ठीक है, yes. तो यहाँ पे हमारे पास वन डायमेंशन भी हो सकता है, टू डायमेंशन भी हो सकता है। अब सपोज इसके अंदर कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आए, सपोज ये हमारे पास मास है, इसका मास है 2 kg, इसका वेलोसिटी यहाँ की तरफ है ना 3 m/s, एक यहाँ पे है इसका मास है 3 kg, इसका वेलोसिटी यहाँ की तरफ है 2 m/s, तो बताओ सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना होगा? जीरो। तुम लिखोगे कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एम वन वी वन वेक्टर प्लस एम टू वी टू वेक्टर अपॉन एम वन प्लस एम टू, तो ये क्या बन जाएगा 3, ठीक है, ये तो मास तो हो गया, उसको मैंने लिखा माइनस 2 आई कैप प्लस ये वाला कितना बन जाएगा, मास कितना है 2 और 3 आई कैप अपॉन 2 + 3, तो कितना बन जाएगा 0. देखो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ऑल द मासेस आर स्टेशनरी, क्या कंपलसरी है? नहीं, नो सर, क्योंकि देखो पूरे सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम जो है वो 0 है। इसको सपोज मैंने बोला P1, तो P1 कितना है 6 i cap, ये मेरे पास में है P2, ये कितना है -6 i cap, तो सेंटर ऑफ मास मेरा यहां कहीं होगा और उसको मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, सेंटर ऑफ मास मेरा स्टेशनरी है। तुम चाहे सेंटर ऑफ मास को अभी देखो या थोड़ी देर बाद में देखो, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0, 0. कैसे? जैसे कि अगर मैं कहूं कि पहले ये मास भी यहां पे था और ये मास भी यहां पे था, ठीक है, ये मास ए ये मास बी, तो सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा हमारा, यहां पे आएगा,
है ना? यस सर। क्योंकि भाई कोऑर्डिनेट, उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी वही है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी वही है। अब देखते हैं आफ्टर वन सेकेंड क्या होगा। आफ्टर वन सेकेंड, हाँ हाँ बोलो बोलो। क्या हुआ? हेलो सर, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जीरो मतलब सिग्निफिकेंस क्या हुआ, मतलब मीनिंग क्या हुआ उसका? मतलब कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जीरो है। कि जैसे कि अभी मैं अपने इस वाले एग्जांपल में दिखा रहा हूँ, बताओ अगर ये मान लो था ए, ये मान लो था बी, जो मैंने यहाँ पर बनाए हैं, तो सपोज उनके उन दोनों ने स्टार्टिंग यहाँ से किया, वो दोनों साथ में बैठे थे, ओके, तो अगर सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, उधर ही होगा। अबे उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी वही है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी सेम है। अगर दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट सेम है तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट भी वही आएगा। यस सर। ओके, अब देखते हैं, ये तो मैंने बोला t इक्वल टू जीरो, अब मैं देखता हूँ t इक्वल टू वन सेकेंड पे कौन कहाँ पहुंच जाएगा। ये पार्टिकल है बी, इसका वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा ना बी, तो बी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 3 मीटर। इसका मास कितना है, 2 kg। वैसे ही जो ये वाला पार्टिकल है, ये कहाँ चला जाएगा, ये जाएगा लेफ्ट में। Yes, और इसका वेलोसिटी कितना है, 2 है, तो ये यहां से यहां तक आएगा 2। इसका मास कितना है, 3। अब मुझे बताओ, अब मैंने बोला कि सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा, t इक्वल टू उधर ही आएगा, उधर ही सेम पॉइंट पे, तो सेंटर ऑफ मास मतलब अभी भी यहां पे ही है। फिर मैंने एक सेकंड बाद में देखा और ये कहां पहुंच जाएगा, यहां से यहां तक आ जाएगा ना, 3 और आ जाएगा, और ये कहां पहुंच जाएगा, ये यहां पहुंच जाएगा। बताओ इस केस के अंदर भी सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, तो बताओ क्या सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट हुआ, नहीं, नो सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जीरो। तो जो तुम कह रहे थे ना कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जीरो है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस ये है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो सेंटर ऑफ मास है वो जहां पहले था अभी भी वही है। इफ लीनियर मोमेंटम ऑफ होल सिस्टम इज जीरो, तब ठीक है। ओके सर, है ना, ओके। अब जैसे कि ये बताओ, ये हमारे पास में एक तो ये जो इक्वेशन थी, कहाँ गई इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 2, ये हमारे पास में इक्वेशन 1। इक्वेशन जो 1 है उसको डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास में क्या है, वेलोसिटी आया। अब एक काम करो, अब इक्वेशन 2 को अपने डिफरेंशिएट करो, तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को डिफरेंशिएट करूंगा तो मैंने लिखा डिफरेंशिएशन इक्वेशन 2, तो क्या बन जाएगा, डी बाई डी टी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू, अब मैं अंदर जाऊं डिफरेंशिएशन, तो एम वन डी वी वन बाई डी टी प्लस एम टू डी वी टू बाई डी टी एंड सो ऑन एम एन डी वी एन बाई डी टी अपॉन, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टोटल मास, बस उसको बार बार इतना कुछ लिखने की वो नहीं है ना, जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एम आई, है ना। अब देखो जो पहले वाली टर्म है वो क्या बन जाएगी, द रेट एट विच वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज चेंजिंग, क्या होता है वो, एक्सेलरेशन ऑफ, तो ये बन जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये एम वन डी वी वन बाई डी टी, एम वन तो सही है मास है, डी वन बाई डी टू एक्सेलरेशन ऑफ वन प्लस एम टू ए टू एंड सो ऑन एम एन ए एन अपॉन टोटल मास, ठीक है। तो अगर मुझे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू प्लस एम थ्री ए थ्री एंड सो ऑन
अपॉन टोटल मास, ये मुझे क्या बताएगा कि सेंटर ऑफ मास जो है उसका एक्सेलरेशन कितना है। ठीक है, अब इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज, फोर्स आ जाएगा। जो पहले वाला जो टर्म है इसको देखो, m1 into a1, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, मास इक्वल टू फोर्स इनटू एक्सेलरेशन, नहीं फोर्स इक्वल टू मास इनटू, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, फोर्स वन, मतलब कि पहले ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स इक्वल टू पहले ऑब्जेक्ट का मास इनटू पहले ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, ये क्या बन जाएगा, एफ टू फोर्स ऑफ सेकंड एफ एन अपॉन क्या बन जाएगा, मास, टोटल मास। अब देखो F1 plus F2 मैं इन सब का समेशन कर दूंगा तो वो क्या बन गया, टोटल फोर्स, यस, नेट फोर्स, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन होल सिस्टम, क्योंकि मैंने सारे के सारे फोर्सेस का क्या कर दिया, वेक्टर समेशन कर दिया, ये इक्वल टू क्या बन जाएगा, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, तो अपन सिंपली कर सकते हैं कि टोटल्स लगने वाले फोर्स उन सबका वेक्टर एडिशन इक्वल टू मास ऑफ द होल सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो अब तुमको इंडिविजुअल पार्टिकल को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, यू कैन एनालाइज अ सिंगल पार्टिकल और तुम कहोगे ठीक है यार होने तो क्या फर्क पड़ता है ना। हाँ भाई, क्लियर है यहां तक? तो जैसे चलो इसके ऊपर कुछ अपने एग्जांपल करते हैं, उसके बाद और देखेंगे इंटरनल फोर्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल फोर्स क्या होते हैं। जैसे कि ये मेरे पास में एक, ये सबको आता है पुली मास सिस्टम, सपोज इसका मास है 6 kg, इसका मास 3 kg, ठीक है, इसको मैंने बोला ए, इसको मैंने बोला बी, तुमसे पूछा एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है, एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए एंड बी कितना है, चलो बताओ। सर थोड़ा सा स्क्रॉल अप करो ना, बस और बस बस, हो गया सर, थैंक यू। हाँ चलो इसको करो, तो क्या पूरे सिस्टम पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो है? नहीं, तो जब पूरे सिस्टम पे अपना रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है तो एक्सेलरेशन जीरो कैसे हो सकता है? सोचो सोचो अच्छे से करो, G by 9। ओके, हमारे पास में और कोई आंसर है? किसी एक आंसर जीरो आया, एक्सेलरेशन ए और बी का जो है वो G by 3 रहेगा और जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो G रहेगा, एक्सेलरेशन G रहेगा। ओके चलो और बताओ,
जी बाय नाइन ही सर एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी वन आएगा जी बाय नाइन जी बाय नाइन सर मेरा वन आ गया कैसे आया वन नहीं आएगा सर ए और बी का जी बाई थ्री आया सर वन बाई थ्री अरे इक्वेशन बनाओ देखो सर वन बाई थ्री आया अरे रुक जा यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा सिक्स जी ऊपर क्या लगेगा टी इसके ऊपर यहाँ क्या लगेगा थ्री जी ऊपर क्या लगेगा थर्टी जी टी ठीक है अब एक्सेलरेशन इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए तो इक्वेशन क्या बन जाएगी सिक्स जी माइनस टी इक्वल टू सिक्स से इसके लिए क्या बन जाएगी टी माइनस थ्री जी इज इक्वल टू थ्री इज इक्वल टू थ्री है ना ओके अब क्या बन जाएगा थ्री जी इक्वल टू नाइन ए तो ए की वैल्यू जी बाई थ्री मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए कहां की तरफ आएगा जी बाई थ्री कहां की तरफ डाउनवर्ड इसका कितना आएगा जी बाई थ्री अपवर्ड भाई एक का अपवर्ड एक का डाउनवर्ड है अब हमको निकालना है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या फॉर्मूला होता है एम वन ए वन वेक्टर फॉर्म में प्लस एम टू ए टू वेक्टर फॉर्म में अपॉन एम वन प्लस एम टू सपोज हमने क्या किया जो नीचे वाली जो है डायरेक्शन उसको मैंने पॉजिटिव ले लिया और जो ऊपर वाली है डायरेक्शन उसको मैंने ले लिया नेगेटिव वो तो हमारी मर्जी है ना जहां लेना है ले लो तो बताओ कि जो एक्सेलरेशन ऑफ ए है वो कैसा आएगा प्लस अपना जी बाई थ्री और एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या आएगा माइनस जी बाई थ्री भाई हमको सब कुछ उसमें लिखना है ना वेक्टर फॉर्म में देखो मैंने हर जगह पे एरो भी लगाया है अब हम लगाते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या बनेगा मास वन कितना है सिक्स और उसका एक्सेलरेशन कितना है जी बाई थ्री फिर माइनस हो जाएगा वो थ्री माइनस जी बाई थ्री अपॉन मास कितना है टोटल सिक्स प्लस थ्री तो क्या आ जाएगा ये जी बाई नाइन जी बाई नाइन नाइन तो जी बाई नाइन और ये आंसर कैसा आया तुम्हारा पॉजिटिव आया इसका मतलब क्या हुआ सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ है नीचे डाउनवर्ड अब बताओ तो तुम लोग कहाँ पे अपनी गलती कर रहे थे देखो सर मेरा राइट है हाँ हाँ तुम्हारा राइट है वो डायरेक्शन लेने में गड़बड़ किया डायरेक्शन अब देखो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ठीक है इसको फाइंड करने का एक और तरीका भी है तुम मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन के अंदर टेंशन का वैल्यू कितना आया था टी क्या होता है फॉर्मूला टू एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू इन टू जी होता है ना फॉर्मूला टेंशन का तो क्या क्या आएगा टेंशन की वैल्यू सर फोर जी फोर जी ठीक है ओके अब इसी कहते हैं डायग्राम को फिर से बनाता हूं मैं तो हमारे पास जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा है ये यहाँ पे कितना मास है सिक्स यहाँ कितना है थ्री और एक यहाँ पे लगा रखा हमने क्या बोला सेंटर ऑफ मास कौन कौन से मास का हमने लिया है सिक्स केजी और थ्री केजी वाला ना तो ये लो ये मेरा पूरा कहते हैं सिस्टम बन गया एक क्योंकि मुझे पता है कि रोप और जो वो है ना पुली वो तो मास लेस है ये मेरा पूरा कहते हैं ये मेरा पूरा एक वो बन गया सिस्टम बन गया इस पूरे सिस्टम पे कितने फोर्स लग रहे हैं नीचे की तरफ कितना लगेगा नाइन जी इसके ऊपर 6g और इसके ऊपर अपना 3g और ऊपर कितना लग रहा है इसके ऊपर सर 8g दो बार टेंशन का लग रहा है ना तो मैं क्या लिख सकता हूं अब मैं लिख सकता हूं ना कि f net इक्वल टू टोटल मास
into acceleration of center of mass. F net कितना आएगा? 9g कहां की तरफ लग रहा है? नीचे की तरफ. और ऊपर कितना लग रहा है? 8g. मास कितना है टोटल? 9 into acceleration of center of mass. So acceleration of center of mass क्या बन जाएगा? g by 9. ये लो सर, वो 8g कैसे आया भाई? ऊपर वाले क्वेश्चन से हमने सॉल्व किया ना, टेंशन का वैल्यू कितना आएगा उस वाले केस में? 4g. अच्छा, मतलब ऊपर वाले से ही. हाँ सर, मैं ऐसे ही सोच रहा था, बट मैंने टेंशन को सोचा कि वो इंटरनल ऐसे रहेगा तो उसको. नहीं नहीं नहीं, देखो इंटरनल है, देखो इंटरनल. ये यहाँ वाला जो है ना टेंशन, ये वाला टेंशन, ये ऊपर टी लग रहा है, ये तुम्हारे पास बैलेंस कर रहा है, ये हमारे पास में नीचे लग रहा है. हाँ, ये ऊपर लग रहा है, सोच के मैंने उसे इग्नोर कर दिया, बट वो टोटल सिस्टम पर भी बाहर ऐसे. ये है इंटरनल, लेकिन ये तो ऊपर का जो तुम्हारा है ना रूफटॉप है, वो तुम्हारे ऊपर एक्सटर्नल फोर्स है. ऊपर वाली रोप ऊपर नीचे थोड़ी जा रही है, ऊपर वाली तो स्टेशनरी है. सेंटर ऑफ मास और मूव कर रहा है, किसका सेंटर ऑफ मास? दोनों ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास. वो तो फोर्स तो लगाएगा ना वो तो. yeah. अगर भाई तुम्हारे रूम के अंदर पंखा लगा हुआ है, तो पंखे की जो रॉड है वो फैन पे फोर्स तो लगा ही रही है ना. तो ये जो हमारी रॉड है, ये पंखे वाली रॉड है सपोज, ठीक है? तो देखो अब इसके अंदर ये जो है ना मेरे पास में, ये मैंने लगाया, तो यहाँ पे एक चीज और दिखाता हूँ, एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स. इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स क्या होते हैं बताओ? एक्सटर्नल इंटरनल. सर इंटरनल फोर्सेस जो सिस्टम के अंदर ही रहते हैं और उनका नेट समेशन जीरो रहता है. यस yes. और एक्सटर्नल जो किसी दूसरे, जो इंटरनल फोर्स है वो ऐसे, जैसे कि एक मेरे पास में मास वन ये है, मास टू ये है, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया और इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया. अब हमको पता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है. थर्ड लॉ में क्या बोलते हैं सर? वो एक्शन रिएक्शन पेयर बन के काम करते हैं. दोनों ही फोर्स जो होते हैं वो एक्शन रिएक्शन होते हैं, और एक्शन रिएक्शन में दोनों फोर्स कैसे होते हैं? इक्वल एंड अपोजिट. तो इनका जो समेशन है वो कितना बन जाएगा? जीरो. क्योंकि दो वेक्टर अगर तुम्हारे पास में अपोजिट वेक्टर को मैं ऐड कर दूंगा तो उनका समेशन जीरो. तो ये मेरे पास में इंटरनल है. तो मतलब फोर्सेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स विच आर पार्ट ऑफ सिस्टम. जैसे कि यहां पे, जैसे कि ये यहां लगा और फिर इसने लगाया ना, पुली ने लगाया, फिर यहां पे लगाया पुली ने और यहां पे लगाया. तो इस पूरे को ही मैंने क्या बोल दिया? सिस्टम बोल दिया. तो पुली तो कहते सिस्टम का पार्ट ही बन गया ना. तो इनके बीच में जो भी लगने वाले फोर्स हैं वो इंटरनल. तो समेशन ऑफ इंटरनल फोर्सेस क्या होता है? जीरो. अब बात आती है एक्सटर्नल फोर्स की. अब बताओ मैं एक्सटर्नल का भी डेफिनेशन क्या बन जाएगा? फोर्सेस बिटवीन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिस्टम, ठीक है, विथ ऑब्जेक्ट्स ऑफ आउटसाइड, आउटसाइड ऑब्जेक्ट. जैसे यहां पे ये जो थी मेरी रूफ, इसको मैंने आउट ऑफ द कहते सिस्टम बोला था, ये मेरे सिस्टम में नहीं है. तो मैंने इस रूफ ने इस पुली के ऊपर जो फोर्स लगाया वो क्या बन जाएगा? एक्सटर्नल फोर्स. तो एक्सटर्नल फोर्स ही जो होता है, जो हम लिखते हैं ना कि एफ नेट, इसका मतलब यही होता है. F net external, इसका मतलब यही होता है. क्यों? क्योंकि इंटरनल फोर्स का समेशन तो कितना हो जाएगा? जीरो हमेशा ही. तो इसीलिए अगर मैं इस वाली डेफिनेशन से आऊं ये वाली, तो मेरे पास में इक्वेशन क्या बन जाएगा? F net external equal to total mass into
एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये मेरे पास में इक्वेशन है, क्योंकि इंटरनल फोर्स का समेशन तो आई नो कि हमेशा कितना होगा, जीरो ही होगा। सर अगर उस रूफ को भी हम लोग सिस्टम में लेते तो क्या हमको उसका मास पता है, तो उसका भी एक्सेलरेशन फिर हम लिखते कि कहते हैं ना, फिर हम देखते हैं कि रूफ पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है ना। यस, जैसे मुझे मैं और क्वेश्चन करके बताओ, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर। सर कैन यू एक्सप्लेन दिस पार्ट अगेन, आई जस्ट गॉट डिस्कनेक्टेड। ओके, तो बेटा द फंडा इज दैट सपोज, ओके इसको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे एक स्प्रिंग है हमारे पास में, इसका मास m1 है, इसका मास m2, और एक स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट k, और सपोज स्प्रिंग हमारा कंप्रेस स्टेट में है, कंप्रेस स्टेट में मतलब कि यहां पे है इसका नेचुरल लेंथ, ये है इसका नेचुरल लेंथ, ठीक है। okay. ये जो डिस्टेंस, इसको मैंने बोला x1, इसको मैंने बोला x2, तो बताओ स्प्रिंग कितना फोर्स है ना लगा रहा है, बताओ kx1 plus x2 स्प्रिंग, व्हाट इज द टोटल कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, x1 plus x2, और अगर स्प्रिंग कंप्रेस होता है तो फोर्स कहां की तरफ लगाएगा, बाहर की तरफ, कितना आएगा kx1 plus x2, इसके ऊपर कहां लगेगा, यहां की तरफ kx1 plus x2। अब पहले मैंने बोला, मतलब पहले मैंने लिया केस वन, केस वन के अंदर मैंने अज्यूम किया कि दिस इज माय सिस्टम, दिस इज माय सिस्टम। केस वन में अज्यूम किया कि रेड बॉक्स इज माय सिस्टम, तो बताओ रेड बॉक्स पे कितने फोर्स लग रहे हैं, तीन। एक तो एमजी लग रहा है, एक उसका सरफेस का नॉर्मल लग रहा है, लेकिन उनका देखो, लेकिन उनका रिजल्टेंट क्या हुआ, जीरो बन गया ना, तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है। स्प्रिंग कहां की तरफ फोर्स लगा रही है, बाहर की तरफ लगा रही है, और स्प्रिंग क्या है, मैं यहाँ पे इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, क्योंकि मैंने स्प्रिंग को सिस्टम के अंदर लिया ही नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा कि F जो एक्सटर्नल है वो क्या बन जाएगा, K X1 plus X2, तो मैं लिखूंगा कि M2 into A2 equal to क्या बन जाएगा, K X1 plus X2। ओके, अब मैं केस सेकंड केस लेता हूं, सेकंड केस के अंदर हमने पूरे को ही एक ऐसे सिस्टम में ले लिया, ये पूरा सिस्टम में ले लिया, ये पूरा मेरा सिस्टम। अब मुझे बताओ कि स्प्रिंग फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है कि एक्सटर्नल फोर्स है, इंटरनल, इंटरनल, देखो internal. ये यहां भी लग रहा है और ये यहां भी लग रहा है, और ये कैसा एक्शन रिएक्शन हो गया ना, तो इंटरनल फोर्स बन गया अभी। अब इसका समेशन कितना हो गया, जीरो, जीरो, तो इंटरनल फोर्स का समेशन हमेशा ही जीरो। तो देखो यहां पर मैंने क्या डेफिनेशन बताया कि जो इंटरनल फोर्स होते हैं, इसका मतलब होता है फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स विच आर पार्ट ऑफ सिस्टम। स्प्रिंग भी मेरा उसी सिस्टम में है, दोनों मास भी उसी सिस्टम में, सारे के सारे आपस में एक दूसरे पर लगा रहे हैं, तो ये क्या बन गए हमारे में, इंटरनल फोर्स, ठीक है। तो इंटरनल फोर्स का समेशन जीरो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मैंने अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स लगाया है तो उसने मेरे ऊपर कहां पे लगाया है, राइट हैंड साइड में, तो अगर मैं दोनों का समेशन कर दूंगा तो मेरा जीरो बन जाएगा, इसलिए इंटरनल फोर्स का समेशन जीरो। और एक्सटर्नल, जब तुम्हारे पास में एक्सटर्नल कोई फोर्स लगाता है, जैसे ये हमारे पास तो फिर वो इंटरनल होगा ना। यस, अब जैसे कि ये हमारे पास में अर्थ है,
ठीक है, ये हमारे पास में सन, मैंने इंटरनल फोर्स हो गया अर्थ को मैंने, नहीं 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 इंटरनल एक्सटर्नल तो डिपेंड करता है ना किसको सिस्टम लिया तुमने, इसके ऊपर यहाँ फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन, और इसके ऊपर यहाँ पे लग रहा है ग्रेविटेशन भाई। अर्थ ने अगर सन के ऊपर फोर्स लगाया तो सन ने भी अर्थ पर लगाया। अब मुझे बताओ अगर मैंने सिर्फ इसको लिया सिस्टम, अर्थ को सिस्टम लिया, तो इस अर्थ पे एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है बताओ? एफ जी बाय सन है ना? यस ओके। लेकिन अगर इसी अर्थ के ऊपर मैं खड़ा हूं तो हमारे ऊपर एम जी फोर्स लगता है नीचे की तरफ, और हमारे ऊपर क्या लगता है नॉर्मल, इसकी वैल्यू भी क्या होती है एम जी। अगर मैंने इस पूरे बॉक्स को सिस्टम लिया है तो वो एम जी और जो नॉर्मल है वो क्या बन गए? इंटरनल है ना, वो तो इंटरनल बन गए ना क्योंकि अंदर ही है वो तो सिस्टम। लेकिन अगर मैं इस मैन को इंडिविजुअली लूं इस मैन पे, तो इसके ऊपर जो एम जी फोर्स है वो कैसा है? एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन अगर मैं पूरे को सिस्टम में ले लूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी? जीरो बन जाएगी, एक्शन रिएक्शन। तो हमारी मर्जी है ना कि तुमको कहते किस किस को सिस्टम लेना है, इट्स ऑल आवर चॉइस। कि मैं सिंगल चीज को सिस्टम में ले रहा हूं, जैसे यहाँ पे पहले मैंने अकेले ब्लॉक को कहते सिस्टम अज्यूम किया, बाद में मैंने अपने दोनों को ले लिया, तो इट्स आवर चॉइस। सर सिर्फ मैन को सिस्टम लिया तो नॉर्मल एक्सटर्नल ही होगा ना? यस, अगर अकेले मैन को तुमने सिस्टम लिया है तो एम जी फोर्स भी कैसा है? एक्सटर्नल, और ये भी नॉर्मल भी। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लग रहे हैं वो कैसे हो गए? वो अपने इंटरनल हो गए भाई। मतलब हार्ट का भी मास है, अपने ब्रेन का भी मास है, तो इनके बीच भी अपना ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा ना, तो वो क्या बन गया? वो हमारा इंटरनल बन गया फिर। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल, आखिरी एग्जांपल बता रहा हूं बस, ये एक ब्लॉक ये रखा हुआ है 3 kg, इसके ऊपर ये रखा हुआ है 2 kg। ठीक है, पहले मुझे बताओ हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन 2 kg ब्लॉक? दो फोर्सेस। कैसे? एक तो इसके ऊपर एमजी लग रहा है उसका, एक ये वाली जो सरफेस है इसने ऊपर नॉर्मल है, नॉर्मल। अब मैं बात करता हूं 3 kg वाले की, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन 3 kg? सर दो फोर्सेस, तीन। एक तो उसका 3g, एक जो ये वाली सरफेस है इसने लगा रखा है नॉर्मल, लेकिन एक ऊपर वाली सरफेस ने भी तो लगा रखा है, नीचे लगाएगा नॉर्मल N1, और एक्शन रिएक्शन हमको पता है इक्वल होते हैं, है ना? ओके, नाउ टेक 2 kg एज सिस्टम। मैंने 2 kg ब्लॉक को ही सिस्टम लिया तो इसके ऊपर कितने फोर्स मैंने रिप्रेजेंट करूंगा? नीचे की तरफ 2g और ऊपर की तरफ N1। मैं हमेशा एक्सटर्नल फोर्स को ही अपने रिप्रेजेंट करता हूं डायग्राम में। ठीक है, ओके, टेक 3 kg एज सिस्टम। अब उसके ऊपर कितना फोर्स लगाओगे 3 kg पे? यहां पर 3g, ऊपर नॉर्मल 2 और नीचे नॉर्मल 1। सही है? यस सर। ओके, नाउ टेक 2 + 3 kg एस सिस्टम। अब बताओ इनका इंटरनल फोर्स कौन सा था जो कि N1 जो था वो हमारे पास में इंटरनल फोर्स था। N1 जो था वो क्या था कि 3 kg ने अपने 2 kg पे लगाया, 2 kg ने किस पे लगाया? 3 kg पे लगाया।
तो अब अगर मैं उसको पूरा सिस्टम लेऊंगा तो ये अगर मेरा सिस्टम बन गया 2+3 kg, तो इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कितने हैं? बस एक, एक ऊपर N2 और एक नीचे 5g, बस। अब वो जो अपना ना बीच वाला फोर्स है वो खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि वो एक्शन रिएक्शन थे। अब मैंने दोनों को ही सिस्टम में ले लिया, क्या हम ऐसा फ्रिक्शन के अंदर भी कर सकते हैं? हाँ, जब वो स्लिपिंग होती है तो N2 और 5g, अरे 5 kg के ऊपर 5g किसने लगाया? अर्थ ने लगाया ना। तो मतलब कि अर्थ जो है वो क्या वो मेरे सिस्टम का पार्ट है? नहीं नहीं, मैंने सिस्टम किसको अज्यूम किया? मैंने 2 और 3 kg को, बस। तो इसके अलावा पूरा यूनिवर्स मेरे लिए क्या बन गया? एक्सटर्नल। तो बताओ जो इसके ऊपर जो जो अपने ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है वो किसने लगाया? अरे बताओ, अरे किसी भी मास पे एमजी फोर्स कौन लगाता है? अर्थ लगा रही है ना, एंड अर्थ इज नॉट माय सिस्टम। तो अर्थ क्या बन गया? एक्सटर्नल। ओके, नॉर्मल फोर्स किसने लगाया? जिस सरफेस पे उसको रखा हुआ है, क्या वो सरफेस मेरा सिस्टम का पार्ट है? नहीं, तो उसका फोर्स भी एक्सटर्नल हो गया। तो इसलिए मेरी मर्जी है सिस्टम किसको अज्यूम करना है, जो तुम्हारे लिए कन्वीनियंट हो उसी को ना सिस्टम अज्यूम करना है। ओके, आ गया है? यस सर। हाँ भाई, किसी को कुछ मैं अपने इशू है तो बता दो अभी। सर, सूडो फोर्स कैसे लगते हैं सिस्टम में? सूडो फोर्स भी लगाएंगे जब हम लगाएंगे। ओके सर। सर, ये जो 2 और 3 वाले में ये N2, तो फिर ये जो ब्लॉक है वो लगा रहा है ना नीचे वाला, तो फिर वो इंटरनल क्यों नहीं होगा? तुम बताओ, अगर तुम किसी फ्लोर पे खड़े हो, सपोज तुम खड़े हो फ्लोर पे, तो तुम्हारे पाओ पे जो नॉर्मल फोर्स है किसने लगाया? अर्थ ने। तो क्या मतलब कि अर्थ को तुमने अपने सिस्टम में कंसीडर किया हुआ है? नो सर। नहीं, तो वो क्या बन गया, इंटरनल या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। तो भाई, मैं एक्सटर्नल फोर्स को तो रिप्रेजेंट करूंगा ही ना मैं। हाँ सर, है ना। तो जब भी तुमको ये देखना हो ना कि फोर्स में इंटरनल है या एक्सटर्नल, तो उस आइडेंटिटी को अलग कर दो बस। अब देखो कि उसके ऊपर जो कोई भी फोर्स लगा रहा है वो तो है ही नहीं सिस्टम में, है ना। तो हो जाएगा। अब जैसे कि ये 2 था, ये था 3, इसको मैंने सिस्टम बोल दिया, तो इनके जो आपस के फोर्स हैं वो हमारे इंटरनल बन गए। जब भी तुम ये कहोगे ना कि ये फोर्स 2 पे 3 ने लगाया, या फिर ये फोर्स है ना 3 पे 2 ने लगाया, उनको हटा दो, क्योंकि वो अपने इंटरनल बन गए, उसके अलावा सब हमारे एक्सटर्नल है। ओके, और ये आ जाएगा समझ में, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन आगे जाके करोगे कि फिर तुमको आदत हो जाएगी। चलो और करो। सपोज ये हमारे पास में ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री, ठीक है। एक मास यहां से आ रहा है, इसका मास m, और स्मूथ सरफेस है सारी। एक मास यहां आ रहा है, तुमसे पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, बताओ क्या होगा?
एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. स्मूथ सरफेस सारी g into 1 plus root 3 by 4. g into 1 plus root 3 by 4? ऐसा कुछ नहीं आएगा. अरे वो मैंने डायरेक्शन ले लिया. G by 2. सर जीरो आएगा क्या यार? जीरो कैसे आएगा? जीरो होने की तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि एक चीज लेफ्ट में जा रही है, एक चीज कहते हैं राइट में जा रही है. क्या उसके अलावा कभी जीरो हो सकता है वेक्टर एडिशन? नो सर. तो क्या यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं? नहीं, तो जीरो तो नहीं आ सकता ना. ऊपर जा रहे और एक अब दोनों ही नीचे आ रहे हैं ना, ऊपर कौन लेके जाएगा? इसमें जी आएगा क्या आंसर? नहीं. अरे जी नहीं आएगा ना. मैंने भी इसमें टेंशन ले लिया. जी बाय टू आ रहा है. कहाँ पे टेंशन? इसमें स्ट्रिंग कहाँ बना हुआ है? नॉर्मल आएगा इसमें. हाँ सर, मैंने वो ले लिया गलती से. सर जी बाय टू एम है क्या? जी बाई टू एम मास कहाँ से आ गया बे एक्सेलरेशन में? जी बाई टू. जी बाई टू.
तो सबसे पहले तो अपना जो अपने एनएलएम में करते थे ना वो करो. देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो ना, हमको फाइंड आउट क्या करना है. तो हमें लिखना है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू एम वन ए वन वेक्टर फॉर्म, एक सेकेंड, प्लस एम टू ए टू अपॉन एम वन प्लस एम टू. अब देखो इसके ऊपर क्या हो रहा है, दो वेक्टर का एडिशन, वेक्टर एडिशन करना आता है. हाँ भाई, अरे वेक्टर कैसे करना होता है, वेक्टर एडिशन के लिए मुझे दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और उनके बीच का एंगल पता होना चाहिए. अब देखो एक ये यहाँ की तरफ आएगा, ये यहाँ की तरफ आएगा, इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री. भाई देखो एक 60 एक 30, ऊपर वाला कितना हुआ 90 होगा, है ना. ओके तो इसका एक्सप्रेशन, कोई स्ट्रिंग नहीं है कुछ नहीं है, क्या होता है एक्सप्रेशन, जी साइन 60. इसका कितना होगा, जी साइन 30 कॉस 60. ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, रूट थ्री जी बाई टू. ये कितना बन जाएगा, जी बाई टू. अब तुमको इक्वल मास दिए हुए थे तो सिंपली क्या बन जाएगा, एम ए वन वैक्टर प्लस एम ए टू वैक्टर अपॉन एम वन प्लस एम. अपने इक्वल मास है ना दोनों ही, तो फाइनली मेरा आंसर क्या बन जाएगा, ए वन वैक्टर प्लस ए टू वैक्टर अपॉन टू. राइट, अब बताओ दो, एक वैक्टर ये है एक वैक्टर ये, इनका एडिशन करना है, इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री. क्या है तो कैसे करोगे, हाफ तो ये है ही, तो क्या बनेगा, रूट रूट थ्री जी बाई टू का स्क्वायर प्लस जी बाई टू का स्क्वायर. दो वेक्टर का एडिशन व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ से टू टू बाहर आ जाएगा तो ये बनेगा वन बाई फोर, और ऊपर बन जाएगा थ्री और वन फोर जी स्क्वायर, तो टू है ना, तो टू बार आएगा टू जी, तो जी बाई टू. तो ये हमारे पास में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन. सर हाँ सर, हम ऐसे नहीं कर सकते थे कि एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ टू फाइंड करने के बाद फिर फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट कर दे. तो मैंने फॉर्मूले के अंदर ही तो पुट किया ना, लेकिन मुझे वेक्टर फॉर्म में पुट करना पड़ेगा ना. वेक्टर, अबे ये देखो ना, वेक्टर फॉर्म में है ना ये दोनों, स्केलर फॉर्म में थोड़ी ना भाई. सिंपल एडिशन और वेक्टर एडिशन में डिफरेंट होता है ना. अरे हाँ. इसलिए मुझे वेक्टर पता होना चाहिए. ओके सपोज इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा होता, इसी क्वेश्चन के अंदर एक वो कर दूं अपने ना, ये कर दिया मॉडिफिकेशन कर दिया, ये एंगल भी 45 डिग्री, ये एंगल भी 45 डिग्री, यहाँ पे एक ये मास लेस एंड पुली है, एक मास यहाँ है, यहाँ से आई पुली, ये ठीक है. ओके इसका मास 2m, इसका मास m. अब बताओ फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, चलो करो. सर बीच में वो अपना स्ट्रिंग है क्या? हाँ हाँ स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, मासलेस. ठीक है, सब कुछ स्मूथ है, मासलेस है. सर 1 बाय 3 रूट
सर रूट फाइव बाय नाइन जी रूट फाइव बाय नाइन ओके मुझे 5/54 आ रहा है 5/64 चलो ओके और बताओ जी बाय ट्वेल्व ओके एक और हमारे पास में डिफरेंट आंसर आया जी बाय थ्री एक और आंसर आ गया हमारे पास वेरी गुड और सॉरी सर जी बाय ट्वेल्व नहीं था वो जी बाय सिक्स था सर 5G/54 ओह हो वाव चलो और आंसर आए हमारे पास में नए नए सर √5G/9√2 चलो वेरी गुड और सर √5G/9√2 ओके चलो देखते हैं काफी आंसर आ गए तो पहले तो अपने इसको है ना लॉज ऑफ मोशन से सॉल्व करते हैं ठीक है कैसे करेंगे यहाँ पे क्या लगेगा फोर्स 2mg/√2 साइन 45 ठीक है बस साइन ले लो कॉस ले लो एक ही बात है 45 में तो यहाँ क्या लगेगा mg/√2 इससे ऊपर लगेगा टेंशन एक्सेलरेशन ये इसका यहाँ की तरफ ए होगा इसका यहाँ की तरफ ए होगा ये जो ए है दिस इज जस्ट मैग्नीट्यूड ठीक है ना इसके साथ में हमने एरो लगा दिया पहली इक्वेशन क्या बनेगी 2mg/√2 -t = 2mg और यहाँ क्या बन जाएगा t माइनस mg/√2 = m into a अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा g/√2 = 3ma तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या बन गई g/√2 हाँ भाई एकदम सही है हाँ सर ओके इसका एक्सेलरेशन यहाँ की तरफ है ठीक है इसका एक्सेलरेशन यहाँ की तरफ है इन दोनों वेक्टर के बीच में हम जो फॉर्मूला लगाएंगे ना कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है m1 a1 vector + m2 a2 vector / m1 + m2 इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री भाई देखो ना एक वेक्टर यहां जा रहा है एक वेक्टर यहां आ रहा है इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री तो जब तुम्हारे पास में एंगल 90 डिग्री होता है तो किस टाइप से आता है अपना मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी के स्क्वायर का रूट तो करते हैं रूट तो हाँ तो पहले हमने मास लगा दिया तो m into a1 सपोज इसको मैंने बोल दिया आई कैप और इसको मैंने बोल दिया जे कैप तो m a कितना है g/√2 आई कैप
प्लस वो कितना है 2m जी बाई थ्री रूट टू जे कैप अपॉन कितना आएगा 3m। अब इसको कैंसिल कर दो m को, तो माइनस साइन नहीं लेंगे। अरे एक ही बात है ना, माइनस लो प्लस लो क्या फर्क पड़ता है, हमको तो अपने मैग्नीट्यूड निकालना है ना, स्क्वायर हो जाएगा लास्ट में। देखो ना मैंने यहाँ पे ले लिया इसको i कैप ले लिया, इसको मैंने ले लिया नहीं सर, मतलब मैग्नीट्यूड निकालने पर फिर भी माइनस आएगा क्या? अरे नहीं आएगा, माइनस से क्या फर्क पड़ता है मुझे बताओ भाई, हमारी मर्जी है ना आई कैप किसको लेना है जे कैप किसको लेना है। हाँ। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं है ना, तो हाँ। हमको उनके बीच के एंगल से मतलब होता है बस। तो देखो यहां से क्या बन जाएगा, तो जी बाई नाइन रूट टू कॉमन ले लो, अंदर बचेगा आई कैप प्लस टू जे कैप, तो क्या बन जाएगा मैग्नीट्यूड रूट फाइव बाई जी रूट नहीं रूट फाइव नाइन रूट टू जी, ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। किस किस का आया, और जिसका अगर नहीं आया वो मुझे बताओ कि तुमने कहां पे गलती की। सो आई कैप जे कैप सर मेरा आ गया, बस रूट टू नीचे थोड़ा मिस हो गया था, बाकी प्रॉपर ही रहा, बीच में पता नहीं कहीं तो मिस हो गया होगा कैलकुलेशन करते। हाँ तो देखो सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि लॉज ऑफ मोशन लेके नहीं बना सकते थे क्या? सिस्टम लेके कैसे करोगे फिर, कि क्या इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगाओगे, टेंशन भी आएगा नॉर्मल भी आएगा क्या तुम है ना, हार्ड पड़ जाएगा तो लंबा हो जाएगा ना यार। हाँ तो सबसे इजी मेथड यही है, तो सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन लगा के तुमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया। अब तुमको पता है फॉर्मूले के अंदर वेक्टर एडिशन करना होता है, वेक्टर एडिशन किसका करना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन का। तो उसके लिए तुमको एक तो जो तुम्हारा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पता होना चाहिए। तो ठीक है हमने कर दिया, ठीक है हाँ भाई। सर मैंने ऐसा ही किया था, बस mg कॉमन ले लिया, m mg कॉमन लिया तो मेरा अच्छा रैशनलाइज्ड फॉर्म में है। अच्छा चलो ठीक है गुड। तो इसी टाइप से हमारे पास इसके अंदर आती रहती है वैरायटीज, आती रहती हैं क्वेश्चन की बहुत सारी, इसके ऊपर हम और करते हैं क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम एक और चीज स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम मैंने रिजिड बॉडीज का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करते हैं, जैसे रिंग का, स्फेयर का, सिलेंडर, आधा रिंग, क्वार्टर रिंग, होलोस्फेयर, हेमिस्फेयर, इन सब के सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करेंगे। और बाद में ये जो फॉर्मूलाज हैं, क्योंकि आगे आने वाले जो हमारे ऑब्जेक्ट आएंगे वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आएंगे, इसलिए जो फॉर्मूले वाली चीजें हैं वो यहाँ पे हम एक बार के लिए छोड़ देते हैं। नाउ वी विल फाइंड सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो अब हम करेंगे लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर डिफरेंट शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हमको पता है, हमारे पास फॉर्मूला है ना। लेकिन अब हम जिसको बोलते हैं कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, पॉइंट्स में नहीं है, एक रिजिड सिंगल, ठीक है, जैसे कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट पॉइंट। कि जब मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा हूं तो बीच में कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इसी की बजाय मैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट ले लूं, पूरा ये ले लिया, रॉड ले लिया, तो ये क्या बन गया, कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट, मतलब कि हर जगह पे कुछ ना कुछ है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट भी कैसे बनता है, छोटे छोटे पॉइंट मास को साथ में कहते रख के बनता है, ठीक है। तो
सर इसमें हम इंटीग्रेशन कर देंगे यस तो एज ऑफ नाउ व्हाट वी नो एज ऑफ नाउ वी नो कि सेंटर ऑफ मास का ना ये क्या होता है तथा पोजीशन वेक्टर क्या होता है समेशन ऑफ एम आई इंटू आर आई अपॉन समेशन ऑफ क्या एम आई तो ऊपर वाले का मतलब क्या हुआ कि जो भी तुम्हारा मास है उस मास को उसके कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो उसके आगे आने वाले मास को उसके कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो और सबको ऐड कर दो और है ना नीचे क्या करना है मास को ऐड करना जो छोटे छोटे हमारे पास मास है तो अब अगर तो ये तो हो गया क्या डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट के लिए अब मैं फॉर कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट तो कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऐसे तो मैं लिखूंगा कि आर सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट जब हम कंटिन्यूस चीजों का समेशन करते हैं तो हमारे पास में सिंबल क्या बन जाता है इंटीग्रेशन वाला ये क्या बोल रहा है मास इनटू उसका पोजीशन तो मास मास मैंने बोल दिया डीएम एक छोटा सा मास क्योंकि एक छोटे से मास के लिए ही मैं बोल सकता हूं कि इसका कोई है ना डायमेंशन नहीं होगा छोटा सा मास और ये बन गया उसका पोजीशन वेक्टर ठीक है आर अपॉन यहां पे क्या कर रहा हूं मैं छोटे छोटे मास का समेशन तो इंटीग्रेशन डीएम तो कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट के लिए अगर मुझे सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है तो मैं ये कर दूंगा ये हमारे पास में फॉर्मूला बन गया हमको इसी फॉर्मूले को याद रखना है ये हमारे पास कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट के लिए ठीक है कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट के लिए अब जैसे सबसे सिंपल जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट होता है कौन सा होता है रॉड तुमको याद हो तुमको जब मैंने वो वर्ण करवाया था ना ग्रेविटेशन अपने ना पोटेंशियल एनर्जी वाला उसके अंदर एक चीज अपने करवाई भी थी सेंटर ऑफ मास लेके हाँ तो अब हम देखते हैं कि रॉड का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना है तो सबसे पहले मैं लेता हूं यूनिफॉर्म रॉड यूनिफॉर्म इसलिए लिया इसका मतलब क्या होता है यूनिफॉर्म का हर जगह मास पर यूनिट लेंथ हाँ मास पर यूनिट लेंथ हर जगह पे ऊपर बराबर कांस्टेंट है ठीक है सेंटर पे होगा तो जो यूनिफॉर्म रॉड है इसके अंदर मैं बोलता हूँ कि इस टाइप के ऑब्जेक्ट को बोलते हैं लीनियर ऑब्जेक्ट लीनियर ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट जो कि एक लाइन के अलोंग है लीनियर लाइन तो जो रॉड होती है वो ऐसे होती है ये हमारे पास में रॉड है ठीक है मास वाली मैंने बोल दिया इसका मास m इसका लेंथ l और ये यूनिफॉर्म है तो पहले हमने एक चीज की डिफाइन जिसको हम बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ तो ये क्या बन जाएगा टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इसको हमें रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से तो लैम्डा को हम ऐसे लिखते हैं लैम्डा इज m अपॉन l अब हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है तो सपोज इस पॉइंट को हमने ओरिजिन बोल दिया ये हमारे पास ओरिजिन है अब यार ये तो कॉमन सेंस है हमको पता है कि सेंटर ऑफ मास तो इसी पे होगा ना लाइन पे होगा भाई ऊपर थोड़ी ना जाएगा वो तो देखो इस लाइन के ऊपर इस लाइन पे जो भी तुम्हारे मास है उनका डिस्टेंस कैसा अलग अलग है मतलब उनका जो कोऑर्डिनेट है वो अलग अलग है ना तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि यहां से x डिस्टेंस पे जाके एक हमने एलिमेंट ले लिया dx एलिमेंट एक एलिमेंट ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट को बोलते हैं लीनियर एलिमेंट मतलब कि एक ऐसा एलिमेंट विच इज अलोंग द लाइन और जिसका साइज बहुत ही छोटा है इसका लेंथ है बहुत छोटा है इसलिए इसका है ना कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा इसका बताओ बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा एक्स वाई कोऑर्डिनेट जीरो अब मैं देखता हूं कि इस छोटे से एलिमेंट का मास कितना है
तो उसके लिए मैंने बोला डीएम स्मॉल मास, तो क्या बन जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इनटू उसका लेंथ, वही होता है ना यूनिटरी मेथड कि मास पर यूनिट लेंथ से अगर मैं लेंथ को तो मेरे पास में क्या बन जाएगा लैम्डा इनटू डीएक्स। अब मेरे फॉर्मूले पे आते हैं, मेरा फॉर्मूला क्या बोलता है कि मास इनटू कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करना है और उनका समेशन करना है, राइट right? देखो ना ये वाला फॉर्मूला, ये देख लो चाहे ये वाला, लैम्डा क्या है, लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ, ओके सर, ठीक है। तो अब अगर मैं लिखता हूं कि x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास तो क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन dm मास इनटू उसका कोऑर्डिनेट x अपॉन क्या आता है नीचे इंटीग्रल dm टोटल मास का समेशन। अब करो dm को मैं क्या लिख सकता हूं लैम्डा इनटू dx, तो मैंने लिखा लैम्डा इनटू इसको यहां पे लिख दिया dx को, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है x, x नीचे dm क्या है dm मेरे पास में लैम्डा इनटू dx। अब लगाते हैं लिमिट, यहां से स्टार्ट हो रहा है x इस और यहां तक जा रहा है, तो x की वैल्यू कहां तक जाएगी फाइनली l तक, तो x इक्वल टू जीरो टू x इक्वल टू l, x इक्वल टू जीरो टू x इक्वल टू l। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, लैम्डा इज कांस्टेंट तो लैम्डा हमारा बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा x इनटू dx, और यहां पे क्या बचेगा नीचे ओनली dx, ऊपर क्या बनेगा x स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 से l, नीचे क्या बनेगा x 0 से l, तो आंसर क्या आ जाएगा l बाय 2। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कहां पे आ गया l बाय 2 पे, लैम्डा पे मल्टीप्लाई होगा कहां पे ना, कैंसिल हो गया ना, कैंसिल हो गया ना ऊपर, अच्छा लैम्डा ऊपर भी है नीचे भी है, हां सर। तो देखो फॉर्मूला हमारा डिस्क्रीट वाला ही है, हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि भाई कोई भी मास इनटू उसके कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे हमारा जो मास है वो हमने छोटा सा मास लिया, क्योंकि अगर पूरा जो रॉड है इसमें बोलूं कि कोऑर्डिनेट क्या है तो यार उसके कोऑर्डिनेट तो अलग अलग आएंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, तो हमने एलिमेंट लिया लीनियर एलिमेंट बिकॉज अवर ऑब्जेक्ट वॉज लीनियर है ना, तो फिर हमने मास इनटू उसके कोऑर्डिनेट जो थे उसको इंटीग्रेट किया, क्योंकि हमारा कंटिन्यूस जब समेशन होता है तो हम उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, उसको इंटीग्रेट कर दिया नीचे मास को इंटीग्रेट कर दिया, हमारे पास में आंसर आ गया l by 2। तो हम पूरे रॉड को एनालाइज करने के बजाय इसका जो है मिड पॉइंट जो है उसको एनालाइज कर लेते हैं, हमारा काम बन जाएगा। ठीक है yes। हाँ भाई लिख लिया सबने, ओके चलो। अब यहां तो हमारे पास जो, अब देखो इसके इसके अंदर कुछ पॉइंट्स, इफ एक लिखाता हूं नोट फॉर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट, क्या मतलब होता है यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट का, मैं उनको कहीं से भी देखूं वो सेम लगेंगे, जैसे कि स्फेयर की बात करो तो स्फेयर तो एक जैसा ही लगता है ना, चाहे उसको ऊपर से देखो नीचे से देखो कहीं से देखो, और वैसे ही ये हमारे पास में मेरा रॉड है,
इसको ऊपर से देखो नीचे से देखो एक ही बात एक जैसा लगता है. तो हम बोलते हैं फॉर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ मास विल बी एट ज्योमेट्रिक सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट. भाई हमको पता है ना इसका कहते हैं सेंटर कहां पे आएगा, ज्योमेट्रिक सेंटर L by सेंटर पे आएगा ना एकदम. हाँ तो ठीक क्या होगा, ज्योमेट्रिक सेंटर पे आएगा. जैसे रिंग है मान लो, ये हमारे पास में पूरा रिंग है कंप्लीट रिंग, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा, इसका सेंटर पे. तो ये हमारे पास में रिंग एंड स्फीयर, तो यहाँ पे आ जाएगा एकदम सेंटर पे. स्क्वायर है तो कहाँ पे आएगा सेंटर ऑफ मास, इसके सेंटर डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब जो भी उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है ना. इसके लिए ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है ना. अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक नहीं है, मान लो हमारे पास में एक ऐसा ऑब्जेक्ट एक रॉड है जो कि यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब जिसके अंदर लीनियर मास जो अपने डेंसिटी है वो अलग अलग है, ठीक है. तो हमको दिया हुआ है फाइंड COM ऑफ नॉन यूनिफॉर्म, अगर रॉड तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म है इसका मतलब हुआ कि मास पर यूनिट लेंथ जो है उसकी, जिसको हम बोलते हैं लीनियर मास एंड डेंसिटी, ये दो चीज है ना, मास पर यूनिट, इसको ये भी बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी. ये कैसी अलग अलग है, ये हर जगह पे सेम नहीं है. तो तुमको एक फंक्शन दिया हुआ है कि ये एक रॉड है, इसको बोला x इक्वल टू जीरो, ये x इक्वल टू एल. लेकिन जो लीनियर मास डेंसिटी है लैम्डा, लैम्डा हमारा इस टाइप से कर रहा है वेरी कि लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर. तो देखो इसका मतलब क्या हुआ अब कि जैसे जैसे मैं आगे की तरफ जाऊंगा जो रोड है वो हैवी हो रहा है क्योंकि जो अपना डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है. तो बताओ इस केस के अंदर सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, सॉल्व करो. सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना प्लीज. हाँ थोड़ा ऊपर. हाँ सर बस. हाँ सर सर लैम्डा नॉट क्या है, लैम्डा नॉट इज सम कांस्टेंट. और लोग बाकी लोग भी करो भाई.
थ्री बाय फोर एल ही आ रहा है। हाँ सर थ्री बाय फोर एल आएगा। सबका आ रहा है भाई? हाँ सर थ्री बाय फोर। गुड। तो देखो जो चीज हमने पहले की उसी चीज को फिर से, हमको नहीं पता ना सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना, हमको फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या बोलता है? मास इनटू कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई कर दो, उसको इंटीग्रेट कर दो, ऊपर रख दो और जो मास को इंटीग्रेट करके नीचे ले आओ। ठीक है, यहां से एक्स डिस्टेंस पे जाके एक हमने एलिमेंट ले लिया डीएक्स, ये मेरे पास में डीएक्स एलिमेंट, इसका जो मास होगा उस मास को मैंने बोल दिया डीएम। तो क्या बन जाएगा? डीएम क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? एक्स कोमा जीरो। जब कोऑर्डिनेट तुम्हारा एक्स है तो तुम्हारा जो लीनियर मास डेंसिटी है दैट इज लैम्डा नॉट इनटू एक्स स्क्वायर, और इनटू मैंने कर दिया डीएक्स। मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ इज स्मॉल मास। आप करते हैं फॉर्मूले में, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू इंटीग्रेशन। डीएम ऐसा कैसे आया? क्या होता है डीएम का मतलब? क्या होता है? छोटे से एलिमेंट का मास। ओके, स्मॉल मास कैसे निकालेंगे? मास पर यूनिट लेंथ इनटू उसकी लेंथ। तो इस पॉइंट पे मास पर यूनिट जो लेंथ है वो कितना है? लैम्डा नॉट इनटू एक्स स्क्वायर, और इस छोटे से एलिमेंट का कितना लेंथ है? डीएम इंटू एक्स, क्योंकि उसका कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। अब क्या करते हैं, इन दोनों को अलग से सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे कचरा नहीं मचाएंगे अपन, इनको अलग अलग सॉल्व करते हैं और यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। तो पहले मैंने कैलकुलेट किया अपना इंटीग्रल डीएम, क्या बन जाएगा? डीएम क्या है? लैम्डा नॉट इंटू एक्स स्क्वायर, लिमिट है जीरो से एल, तो क्या बन जाएगा? लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटीग्रल होता है x क्यूब बाय 3 0 टू l, तो ये बन जाएगा लैम्डा नॉट l क्यूब बाय 3। हाँ भी फाइन। वैसे ही जो अगले वाला इंटीग्रल है वो क्या कहता है? x इनटू dm, इसको करना है मुझे। तो x इनटू dm क्या है? लैम्डा नॉट इनटू x स्क्वायर इनटू हो जाएगा। तो 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 ये x cube, तो क्या बनेगा इंटीग्रल? s की पावर 4 by 4, तो मतलब कि lambda not l 4 by 4। अब इन सब को ऊपर पुट कर देते हैं, तो lambda not l की पावर 4 by 4 अपॉन lambda not l cube by 3, तो ये बन जाएगा 3 l by 4। तो देखो, तो अगर ऐसा है तो सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा। ये मैंने तुमको कल भी बताया था कि सेंटर ऑफ मास कौन से पॉइंट्स के आसपास होता है, जहां पे ज्यादा मास होता है, जहां पे वेट ज्यादा होता है। सेंटर ऑफ मास हैवी जो पॉइंट्स हैं उनकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। पहले वाले केस के अंदर हमारे पास जो थे वो सेम थे भाई, सब कुछ अपना सिमेट्रिक था ना, सब कुछ सिमेट्रिक था तो कोई इशू ही नहीं था। ठीक है, सेकंड वाले के अंदर सिमेट्रिक नहीं था, तो फिर हमने इंटीग्रेट करके उसको फाइंड आउट किया। ठीक है, ओके। अब सपोज तुमको इस रॉड का पोटेंशियल एनर्जी लिखना होता तो तुम कैसे लिखते? पहले निकालते इसका टोटल मास इनटू जी और इनटू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, बस। ठीक है, हाँ भाई, किसी को कुछ प्रॉब्लम डाउट? नो सर। हाँ, तो ये हमारे पास में सबसे एक वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब अगर सपोज तुमको दो रॉड का सेंटर ऑफ मास निकालना है। सर, इस रॉड का डेंसिटी अलग अलग, डेंसिटी नहीं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग आएगा ना, मतलब अच्छा सीधा रखा और उल्टा रखा तो? हाँ हाँ, वो अलग अलग आएगा। तुमको देखना है कि तुम्हारी जो जो अपना जीरो लाइन जो है,
जिसको तुमने ना वो बोला है जीरो लाइन बोला है, उस लाइन से तुम्हारे सेंटर ऑफ मास की हाइट कितनी, ठीक है? ओके सर, तो उससे पूरे रॉड की जीपी कैसे पता चलेगी? पूरे रॉड की थोड़ी होगी, वो अलग अलग आएगी। हाँ हाँ, तभी तो हमने सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट किया ना, कि तुम सारे पॉइंट्स का इंडिविजुअली फाइंड आउट करो या फिर तुम अकेला सेंटर ऑफ मास का फाइंड कर लो, आंसर तुम्हारा सेम आएगा। ओके सर, हाँ, क्योंकि ये यहाँ भी तो हम इंटीग्रेट ही कर रहे हैं ना। हाँ सर। अब आते कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड, ठीक है? जैसे ये दो रॉड है, ठीक है, इसका लेंथ है 2L, इसका लेंथ है L, ये हमारे पास में ओरिजिन, और तुमको दिया हुआ है कि यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है? तुमसे पूछा फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओ, चलो बताओ। कर सकते हो सर? लेंथ सेम है। हाँ सर, मास सर यूनिफॉर्म रॉड है, इसका मतलब क्या हुआ? लैम्डा सेम है ना, और अगर तुम्हारा लैम्डा सेम होता है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आता है? सर बाय सेंटर पे, ठीक है? तो ये पहली रॉड है जो तुम्हारी हॉरिजॉन्टल है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा ना। आई कैन रिप्लेस दिस होल रॉड, ठीक है, बाय अ सिंगल पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे? L, L by 2 root 0, ठीक है? और इस पॉइंट के ऊपर कितना मास रखा हुआ है? 2m, क्योंकि इसका जो लेंथ है वो 2m। वैसे ही जो हमारी है ना वर्टिकल वाली है, उसका यहाँ पे आएगा सेंटर ऑफ मास 0, इसका मास कितना आएगा? m। उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? 0, L/2। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस टू। हाँ, दिया हुआ है ना, यूनिफॉर्म रॉड है। सर ये मास कैसे मिला आपको? यार मेरे को पता है ना कि अगर अरे अगर एक का लेंथ L है, एक का 2L है, तो एक का मास अगर M है तो अपने दूसरे का मास कितना होगा? 2M। 2M तो मैंने लिखा हुआ है, 2M सर, मतलब उसका मास पूरे का मास 2M है ना? नहीं नहीं नहीं, नीचे वाले सेगमेंट का मास है बस, और 2M इस वाले सेगमेंट का। हाँ सर, मतलब नीचे वाले रॉड का। हाँ हाँ, तो उसको कंप्लीट को मैंने सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर दिया है ना, तो दिस रोड इज एज गुड एज ये पॉइंट। अच्छा अच्छा, हाँ। तो बोला सर सेंटर ऑफ मास ले लिया, तो बोला ना कि पूरे मास को एक पॉइंट पे सेंटर्ड हम मान सकते हैं। अब मुझे इन दोनों का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो बताओ कि कैसे निकालूंगा? तो पहले मैंने निकाला एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो क्या आएगा? एम वन कितना है? 2m इनटू एक्स कोऑर्डिनेट एल, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 अपॉन मास कितना टोटल? 3m, तो कितना आएगा? 2l/3। वैसे ही ये कितना आएगा वाई कोऑर्डिनेट? 2m इनटू 0 प्लस m इनटू l/2 अपॉन 3m, तो कितना बन जाएगा? l/6। तो सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट होंगे दैट इज 2l/3 एंड l/6। अब निकालोगे डिस्टेंस? हाँ भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला सर, मैग्नीट्यूड भाई, अगर हमको कोऑर्डिनेट पता है तो हम वहां निकाल लेंगे। तो यहाँ पे तुमको ध्यान रखना है xy कोऑर्डिनेट वगैरह का, ठीक है? यस सर। चलो एक तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन बस। सपोज ये हमारे पास में एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है, तुम्हारे पास में दो रॉड है, मास एम, लेंथ एल, मास एम लेंथ एल, ये एंगल
30 डिग्री, ये एंगल भी 30 डिग्री, ये एंगल भी 30 डिग्री. फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर. ठीक है, ये हमारे पास में दो रॉड है, तो इन दोनों रॉड से जो कहते हैं सिस्टम बनेगा, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं. और ये जो सारी चीजें हैं इनको रिवाइज करना और फिर अपना आगे. सर एक बार क्वेश्चन देखो, सर एक बार क्वेश्चन देखो.